आपको जान के आश्चर्य होगा कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में भी सूरज और धरती के बीच की दूरी तय कर दी थी ये उन लोगों के लिए बहुत करारा झटका है जो ये नहीं मानते कि हिंदुस्तान की संस्कृति इतनी भरी हुई है और हिंदुस्तान के जो हमारे ऋषि मुनि थे वो कितने विज्ञान के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ चुके थे ये बिल्कुल करारा तमाचा है उन लोगों पर जो हमारे संस्कृति हमारे सोच हमारे ऋषि मुनि के विधवता पर सवाल उठाते हैं और हम सबको पता है कि भारत की संस्कृति कितनी पूरी पुरानी है उपनिषद वेद इस महान भारत की महान भूमि हम सबको पता है युग सहर्ष योजन पर मानो लीलोताई मधुफल जानो जब इसका एनालिसिस कीजिएगा मल्टीपिकेशन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इससे धरती और सूरज के बीच की दूरी का पता चलता है तो बस ये हमारे ऐसे लोगों को जो कि अपने संत ऋषि मुनियों पे गर्व करते हैं अपने भारतीय संस्कृति पे गर्व करते हैं उनके लिए तो बहुत ही खुशी की बात है पर उन लोग के लिए बड़ा करारा तमाचा है जो इसे विश्वास नहीं करते योग सहर्ष योजन पर भानो ताई मधुरफल जानो इसको बस आप एनालाइज कीजिए योग सहर्ष योजन मल्टीप्लाई कीजिए आपको धरती और सूरज के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा आप सोचिए तुलसीदास जी शताब्दी शताब्दी में उन्होंने रामायण रामचरित्र हनुमान चालीसा के माध्यम से हमें सूरज और धरती के बीच की दूरी का अंदाज़ा दिया था जिस चीज़ को जानने में हमारे वेस्टर्न साइंटिस्ट अठारहवीं शताब्दी में जिनका खोज हम लोगों ने किया था तो आप सोचिए तुलसीदास तो जी कौन थे और हिंदुस्तान की संस्कृति की ताकत हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान में विज्ञान का स्तर कितना ऊंचा था और कितना हम पहुँच चुके थे आप इससे एनालाइज कीजिए बहुत गर्व की बात है हमारे लिए और बहुत खुशी होती है तो अपने उपनिषद वेदों की इज्जत कीजिए उनसे शिक्षा प्राप्त कीजिए ज्ञान प्राप्त कीजिए इवन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है जवाहरलाल नेहरू का जवाहरलाल नेहरू जी का उसमें भी आप पढ़िए कि उसमें उन्होंने उपनिषद का कितना इम्पोर्टेंस दिखाया है तो हमारे से लोग जिनको गर्व है भारतीय संस्कृति पे और भारतीय विज्ञान पे उनके लिए बहुत ही बस ये हमारे लिए तो इसमें कुछ नया नहीं, नहीं है पर उन लोगों के लिए जो इसे विश्वास नहीं करती है वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो आप देखें और विश्वास के और आपके उस इस बात का काट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वी आर रेडी टू आंसर योर एवरी क्वेश्चन युग सहर्ष योजन पर वालो वानो लिलोताई आई मधुफल जानो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है